हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रानी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली नूडल्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही तेल में डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। अदरक लहसुन और मिर्ची को हल्का सा सौटे करेंगे। लहसुन हमारा सौटे हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज। फिर इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और 1 कप पत्ता गोभी। इन सारी सब्जियों को पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। इन सारी सब्जियों को लहसुन और अदरक के साथ हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। सब्जियों को हमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि इसमें क्रंच बना रहे। ये हमारी सब्जी हल्की सी सौटे हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ नूडल। मैंने नूडल को पहले से उबाल के रख लिया था। अगर आप भी चाहते हैं कि नूडल्स खिले खिले बने तो नूडल्स को 1 से 1.5 घंटे पहले उबाल कर प्लेट में फैला कर रख दें, और चाहें तो 1-2 चम्मच तेल मिक्स करके उसे रखें। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच विनीगर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। तीखे को बैलेंस करने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। सारे सॉसेज डालने के बाद हम नूडल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। नूडल्स को मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। ये हमारा नूडल्स अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये हमारा बहुत ही टेस्टी चिली नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक बार आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। इसका टेस्ट नॉर्मल चाउमीन से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।